बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदाई हक कश्मीर न्यूज़ के नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। इस वक्त हम आपको थोराड़ आज़ाद कश्मीर से ये ब्रेकिंग न्यूज़ देते चलें। रावलाकोट से थोराड़ बालग्रां जाने वाली टोयोटा हाईएस गाड़ी अंदरोड खड के मुकाम पर हादसे का शिकार, 8 मुसाफिर जख्मी, गाड़ी गहरी खाई में जा गिरी। इस खबर की तफसीलात से कबल हर खबर से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और साथ में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तफसीलात के मुताबिक थोराड़ कच्छल के रिहायशी मनशात सदीक की गाड़ी टोयोटा हाईएस जिसे ड्राइवर अली चला रहा था, जो रावलाकोट से थोराड़ बालग्रां जा रही थी कि अंदरोट खट के मुकाम पर हादसे का शिकार हो गई और सड़क से कई फुट नीचे गिरी। ताम हादसे की वजह मालूम न हो सकी, जिसमें सवार मुसाफिर मौजाना तौर पर महफूज रहे। अलबत्त बाज़ को शदीद चोटें आईं, जिनमें से सूबेदार आरिफ कच्छल थोराड़ शदीद जख्मी हैं, जबकि बेटा जन्नत हुसैन और उनकी हमशीरा लागड़ियात जख्मी हैं। इसके अलावा सुराब मनशाद हमाद सफदर 3 खवातीन एक बच्चा भी जख्मी हुए, जिन्हें फौरी तौर पर अवामी इलाका ने रेस्क्यू करके रावलाकोट CMH अस्पताल पहुंचा दिया, जहां ट्रीटमेंट जारी है और बास को फर्स्ट एड के बाद घरों को भेज दिया गया। इस मौका पर मदावा फाउंडेशन, सहाफत शहीद मौलाना अब्दुल अजीज़ फाउंडेशन की एम्बुलेंस और रजाकार पेश रहे, जबकि मदावा फाउंडेशन ने रमज़ान पैकेज प्रोग्राम का सामान वहीं उतार कर फलाई सरगर्मियों में हिस्सा लिया और ज़ख्मियों को लेकर अस्पताल पहुँचाया। अल्लाह पाक ज़ख्मियों को सेहत याब करे, आमीन।